अभी बुलडोजर चलना जैसे आम बात हो गई है। नगर निगम की यह कार्रवाई कहीं न कहीं आए दिन हमें देखने को मिलती ही रहती है, लेकिन आपको आश्चर्य तब होगा जब यह बताया जाए कि इस बार बुलडोजर 10 दिन पहले तक रहे सीएम के घर पर चल रही है, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, आंध्र प्रदेश में चुनाव में तगड़ी हार झेलने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आंध्र प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के जगमोहन रेड्डी के घर पर ही बुलडोजर चला दिया। बताया गया कि जगमोहन रेड्डी का घर नगर निगम के सड़क पर अवैध निर्माण हुआ था, जिसे बुलडोजर चलाकर जमीन दोज कर दिया गया। इस मामले को लेकर नगर निगम ने कहा कि सड़क का अतिक्रमण करने और निर्माण करने की काफी शिकायतें मिली थी, जिसके बाद वह एक्शन लिया गया और जगमोहन रेड्डी के आवास को जमीन दोज किया गया। इस दौरान यह भी बताया कि जगमोहन रेड्डी ने फुटपाथ पर ही आवास का निर्माण कर दिया था, जिसकी वजह से पैदल चलने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी कई बार इन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने नजरअंदाज किया। अंततः सरकार को यह कदम उठाना पड़ा।